नमस्कार, मैं राजप्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। न्यूज़ मोमेंट के तरफ से एकमात्र दुकान आसनसोल में जो कि विख्यात है अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों के कारण। इनके पास विभिन्न विभिन्न सामग्रियां हैं जैसे कि मीठी खाखड़ा, मसाला खाखड़ा, चीज़ खाखड़ा, मंचूरियन खाखड़ा। और इनका नंबर है SBI रोड के उल्टी तरफ, सिमरन गोराई रोड। इनका पिन कोड है 713301 या फिर आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं 03410517 एवं दूसरी मोबाइल नंबर है 9573515। इनके पास कई सामग्रियां उपलब्ध हैं जो कि विख्यात हैं। मसाला खाखड़ा, सद्दा खाखड़ा, चूरियन खाखड़ा, चीज मसाला खाखड़ा, मसाला खाखड़ा, मीठा खाखड़ा, बनाना चिप्स, बनाना। आइए सुनते हैं न्यूज हिंदी में। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय के सिंगल वीडियो कैलियस्ट्रल पोर्टल का शुभारंभ। जनवरी 2021 में लॉन्च होगा व्यावसायिक कोयला खनन की नीलामी का अगला चरण। श्री प्रहलाद जोशी भारत के सबसे पहली व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी के विजेता के साथ कोयला मंत्रालय ने किया समझौता। संतोड़िया भारत में कोयला खदान शुरू करने के लिए जरूरी सभी कैशियल और मजदूरियों को दिलाने में सहयोग देने के लिए कोयला मंत्रालय ने सोमवार को एक सिंगल वीडियो कैशियल पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में भारत के सबसे पहली व्यावसायिक कोयला खनन नीलामी के विजेताओं के साथ समझौता करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पोर्टल को लॉन्च किया। सोमवार की सुबह दुर्गापुर विधान इंद्र इस्पात नगरीय विधान इंद्र इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स स्कूल के सामने री एडमिशन फीस का विरोध कर रहे अभिभावकों में से 3 को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में छात्राओं ने पथ अवरोध कर दिया। इस विद्यालय द्वारा विगत कई दिनों से री एडमिशन फीस की वृद्धि के विरोध से अभिभावक विरोध करते आ रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार की सुबह भी वे लोग स्कूल के सामने विरोध करने पहुंचे। अभिभावकों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश की अपेक्षा कर स्कूल प्रबंधन एडमिशन फीस ले रहा है। इसे माफ करने की मांग पर अभिभावक कई दिनों से आंदोलन किए जा रहे हैं। पुरुलिया भाजपा एक दर्शनी का आधार है। कल जो लोग TMC में थे आज वे भाजपा में, फिर भाजपा से TMC में। भाजपा और तृणमूल ने डोर टू डोर यात्रा का चलन बनाया है। बंगाल के राजनीतिक संस्कृति के लिए यह अच्छी बात नहीं है। पुरुलिया में कांग्रेस की बैठक के बाद भाजपा व तृणमूल को लेकर समालोचना से सूर में फर के अध्यक्ष विमान बसु ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि तलाशी रूटीन ED का कार्य है, इनसे जुड़े लोगों की उपयुक्त व्यवस्था ले। कहते हैं विमान बोस ने क्या कहा। एक्शन चलते जाए, हमरा ताले सवार संगे एक्शन में हमरा चलबो एवं एक्शन में चले TMC एवं BJP उभय के परास्त करे বাংলা কুকে নতুন সূর্য তার ও তার উদয় হওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। আপনারা জানেন, শুনেছেন যে বামপন্থী আর কংগ্রেস তাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, আলোচনা আরো হবে। তবে একটা কথা আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই, আসন নিয়ে কোন আলোচনা এখনো হয়নি, আর আসন নিয়ে কোন দলের মুখ্য নেতৃত্ব এখনো কোনো কথা বলেনি। খুচরো নেতৃত্ব বলতে পারে আজ
পয়সার নেতা বলতে পারে, আট আনার নেতা বলতে পারে, এক টাকার নেতা বলতে পারে, কিন্তু এখনো কেউ কিছু বলে না, কারণ কিছু কিছু ভাষানো হচ্ছে। सोनपुर बाजारी विवेकानंद कॉलोनी ऑफिसर्स क्लब में पेंशन अदालत बैठाकर कई मामले का निष्पाद हुआ। अंडाल ईशियल के सोनपुर बाजारी एरिया के विवेकानंद कॉलोनी में पेंशन अदालत लगाई गई। इस पेंशन अदालत में CPMF के 3 रीजन, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 के तहत पड़ने वाले 32 पूर्व कोयला मजदूरों की पेंशन से संबंधित मामले का निष्पादन किया गया। इस पेंशन अदालत में रीजन 1, रीजन 2 के PF कमिश्नर यू पांडा, रीजन 2 के HED पाठक मौजूद रहे। इस अवसर पर कर्मिक प्रबंधक पुण्यदीप भट्टाचार्य और आबिर मुखर्जी ने बताया कि रीजन 1, 3, 2 और मिलाकर कुल 72 मामले रहे। उखड़ा में मॉल खुलने के खिलाफ उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मौन जुलूस निकाला, प्रतिवाद किया। अंडाल कॉर्पोरेट जगत की ओर से उखड़ा में बनाई जा रही मॉल के खिलाफ उखड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक मौन जुलूस निकाला, प्रतिवाद जताया। मौन जुलूस उखड़ा चैम्बर भवन प्रांगण से शुरू होकर उखड़ा बाजार का परिक्रमण करते हुए वाजपेयी मोड़ से होते हुए चैम्बर भवन में पहुंचकर सभा का आयोजन कर संपन्न हुआ। जब वो, मैं अपनी अंगों की बात बताता हूँ, वो जब हमारे पास आते हैं, बलदेव तुम्हारा कितना पैसा लिया हुआ है, अब ओकरे में ना लिखल हुई, हमसे का पूछत हुआ, तोहर जे खाता बा खतुआ देख ला, ओमे जो लिखल बा वही पैसा ले हम। तो मैं बनारस में 10 साल रहा हूँ, बनारस में मेरा थोड़ा सा मेरे कारखाने के भी लोग बनारस जिले की ज्यादा है, तो हम बताते जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी, नहीं तो बेरोजगारी का सारी सीमाएं टूट जाएंगी। कितने लोग को रोजगार देंगे ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां या नेशनल कंपनियां जो है कॉरपोरेट्स, वो 50 से 100 लोगों के रोजगार देंगे, लेकिन हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री से कि इस मैटर को देखें, और हम लोगों ने उनको भी लेटर दिया है, मेल भी किया है। उसके अलावा लोकल जो SDM है, SDM साहब को दिए हैं, DDA चेयरमैन को दिए हैं लेटर, उसके अलावा BDO साहब को दिए हैं, पंचायत समिति सभापति को दिए हैं, प्रधान उखड़ा, प्रधान खंदरा, सब जगह हम लोग दिए हैं। बड़ा गौर करने वाली बात है कि 25,000 की पॉपुलेशन है इस उखड़ा पंचायत इलाका में। अब अगर वो मॉल्स आते हैं तो कस्टमर तो डिवाइड यहीं से होगा, ज्यादातर दुकानदार पहले से हैंड टू माउथ है, किसी तरह अपना इज्जत। आसनसोल तबस्सुम आरा ने संभाला पदभार। आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य नियुक्त किए जाने के बाद सोमवार को तबस्सुम आरा ने पदभार ग्रहण किया। तबस्सुम आरा को सदस्य बनाए जाने पर विभिन्न अंचल के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने उन्हें सम्मानित किया। आसनसोल नगर निगम में प्रशासक बोर्ड का पुनर्गठन कर जितेंद्र तिवारी की जगह तबस्सुम आरा को एंट्री दी गई। अमरनाथ चटर्जी ने चार्ज लिया 11 जनवरी को, इसके लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला आसनसोल बस स्टैंड तक, पटाखे जलाकर लोगों ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, शुभकामनाएं दी खुशियों के साथ।
आइए सुनते हैं साईद अफरोज चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी सेल ऑफ टीएमसी ने क्या कहा। आज ये चेयरमैन को जो मुबारकबाद दिया गया और सीट उनको जो सौंपा गया आज, तो उस सिलसिले में माइनॉरिटी को आप क्या पैगाम देंगे, कितना चाहते हैं? देखिए, आज अमरनाथ चटर्जी ने जो मेंबर चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हैसियत से जो आज अपना ओहदा संभाला, इसमें अलग से माइनॉरिटी के लिए कोई चीज बात नहीं है। अमरनाथ चटर्जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, पार्टी के बहुत वफादार कर्मी हैं, मलाई घटक और ममता बनर्जी के बहुत अच्छे और सच्चे सिपाही हैं, और इनका पब्लिक से भी बहुत अच्छा रिलेशन है। हमेशा ये पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक के दुख दर्द को हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अमरनाथ चटर्जी के इस ओहदे पे आने से पूरे आसनसोल वासियों के साथ साथ माइनॉरिटी के लोगों को भी काम करने में और उन तक अपना प्रॉब्लम पहुंचाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि अमरनाथ चटर्जी इजी एक्सेस आदमी है। बाराबनी ब्लॉक दोमहानी ग्राम पंचायत के तहत दोमहानी गांव में आज दो नई सड़कों का उद्घाटन किया गया। बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय भी मौजूद थे। बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष मालाबनी बावरी भी मौजूद थे। असित सिंह सदस्य पश्चिम बर्धमान जिला परिषद भी मौजूद थे। हाँ काटो। तो नाइक लाते तो नाइक लाते नाइक बुढ़ा जाए नाइक बुढ़ा जाए ফল তোমার হাতে जमुरिया स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए मांग को लेकर पॉली फैक्ट्री के गेट को बंद कर तृणमूल कांग्रेस ने जमुरिया के मीठापुर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के गेटों पर पार्टी के झंडों के साथ प्रदर्शन किया। कार्यालय क्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। आसनसोल जीटी रोड के स्थित महावीर मंदिर में रविवार की संध्या आत्मप्रकाश जी महाराज देव दर्शन करने पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने देव दर्शन के साथ पूजा अर्चना किया। मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं को प्रवचन व भजन सुनाए। मौके पर नगर निगम के नव नियुक्त प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गुरुजी ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया।
उन्होंने अमरनाथ चटर्जी को निष्ठा और लग्न एवं ईमानदारी से अपने दायित्व का पालन करने को कहा। दुर्गापुर बर्धमान व विभाग के अधिकारियों से गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर मोचीपाड़ा टोल प्लाजा से पक्षी तस्करी मामले में एक वाहन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर महकमा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया। पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल ने गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के उपयोग के लिए कंबल सौंपा। आसनसोल 11 जनवरी 2021 मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल में आज 11/1/2021 आयोजित कार्यक्रम में श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल ने स्वामी मुक्ति प्रदानंद सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम रामहरिपुर बांकुड़ा को 1500 कंबल सौंपे। ये कंबल रामकृष्ण मिशन के माध्यम से गरीब एवं सहाय असहाय लोगों के बीच वितरित करने हेतु दिए गए। आइए सुनते हैं न्यूज मोमेंट के संदेश को। इन द मिडल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। हर कठिनाई के बीच में एक मौका छुपा होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन।